मेरे हिवड़ा पे नाच चाचो, मेरे हिवड़ा पे, मेरे हिवड़ा पे, अरे हिवड़ा बोलने में ऐसे क्यों होता है? हिवड़ा ने क्या है? मेरे हिवड़ा पे नाच मोर ताथिया 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 ताथिया। वाह क्या आवाज है, ऐसा लगता है कौवे ने तुम्हारे गले में घोंसला बना दिया है। घोंसले में रहने के लिए बात करती है। ए, तुम म्यूजिक एल्बम क्यों नहीं निकालते? मुझे कोई नहीं मिला। अरे बहुत मिलते हैं जालिम, लेकिन हम तो तुम्हें मिलने के लिए तरसते हैं। लेकिन हाय हमारे किस्मत, हम जिनके लिए मरकर भी नहीं मरे वो हमें जीते जी भूल गए। आज बहुत दिनों के बाद मुझे संडे आराम करने के लिए मिला और मैं आराम से आज टीवी पे मैच देखूंगा। समझी? क्या ये सच है तुमको भी मुझसे प्यार हो गया? ए, बताओ ना सचिन तेंदुलकर और सनी देओल में क्या बात कॉमन है? क्या कॉमन है? इस वर्ड कॉमन है और क्या कॉमन है? अरे नहीं रे, दोनों के पीठ में कभी भी दर्द उठता है। मैच देखने शुरू करूं? मैच तो न्यूजीलैंड और इंडिया का था, ये वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए कहां गया अभी? ए, ये वेस्ट इंडीज की बैटिंग नहीं, विनोद कांबली है। कांबली है? क्या कांबली है? मालूम है, मालूम है मुझे। अरे मार ना, अरे मार, क्या मस्त बॉल था, जरा जोर से मारता तो फोर जाती सीधा। वाह, जिसको कभी गुल्ली डंडा ठीक से पकड़ने नहीं आया वो क्रिकेटर उनको एडवाइस दे रहा है। तू चुप बैठने का क्या लेगी? चल ना मेरे साथ खंडाला। बारिश के बाद खंडाला इतना खूबसूरत होता है ना कि बिल्कुल स्विट्जरलैंड। वहां जाके क्या करेंगे? हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। तेरे साथ अगर मैं इतिहास बनाने निकला ना तो मेरा ज्योग्राफी बिगड़ जाएगा। काम करना, अपना काम करना। वही तो कर रही हूँ, अपने जानम को, अपने बालम को, अपने साजन को, अपने हरजाई को, अपने मन के मीत को रिझाने की कोशिश कर रही हूँ। कितना बोलना है उतना बोल, बोलने में तू और हमारी बीना एक जैसी है। देख तो बोलने चालू किया ना, आराम से माल नंबर टू और बेटी नंबर वन ये टीवी उठा के कहाँ ले जा रही है? किचन में। और आज का खाना क्या यहाँ बनेगा? अरे अभी प्रोग्राम आने वाला है, खाना खजाना बनाने और उसमें करेले का हलवा बनाने की रेसिपी बताने वाले हैं। करेले का हलवा कैसे बन सकता है? बन जाएगा ना, तो सबसे पहले आप ही को चखवाइए। हाँ। देखो मोटी कितनी सयानी है, हर खतरनाक चीज का प्रयोग पहले तुम पर ही करती है। हाँ, ठीक है, मुझे मालूम है। देखो आज हलवा बनेगा या ना बनेगा, लेकिन आज तो मैं मैच देखूंगा ही। हाँ, और 40-50 निकम में बेकार तुम्हें कंपनी देंगे। क्या बात है बापू, ये मदर 98 के डिस्ट्रीब्यूटर जैसी शक्ल गाय को बना के रखी आपने। इन्हें कहो इन्होंने तुम्हारी हालत सर आंखों पर फिल्म के प्रोड्यूसर जैसी कर रखी है। तू चुप कर। मैं क्या कुछ बोली? तो बोल ना, बोल। फुटबॉल, रग्बी बॉल, टेनिस बॉल, स्लो बॉल, फास्ट बॉल, लो बॉल। हो गया। क्या है सर, क्या है? आपने कहा ना तू बॉल, तो मैं बोल रही हूँ। मैंने बॉल कहा, बॉल नहीं, नहीं बॉल। अरे बापू एक मिनट छोड़ो ना इसको, इसके साथ काहे को बहस कर रहे हो? अरे थोड़े दिन में तो ये स्वीटी को भी इंटेलिजेंट साबित करेगी। आप बताओ आपकी शक्ल ये सड़े हुए ऑमलेट जैसी काहे को लग रही है? बेटे मैं यहाँ बैठ के टीवी देख रहा था, तुम्हारी माँ अंदर से आई तो टीवी उठा के अंदर चली गई। अंकल नॉटी, आप जरूर फैशन टीवी देख रहे होंगे। क्या बात करी है बापू, आपको शर्म आनी चाहिए, 5-5 बेटियों के बाप होकर ऐसे अश्लील और गंदे प्रोग्राम देखते हो। मैं यहाँ बैठ के टीवी पे मैच देख रहा था और तुम्हारी माँ खाना खजाने में करेले का हलवा कैसे बनाते हैं ये देखने के लिए टीवी उठा के अंदर चली गई। करेले का हलवा कैसे बन सकता है? मैं वही बोला उसे। अरे क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? लास्ट संडे तो हमने चिकन की बर्फी बनाई थी, चिकन की बर्फी। बोलो चिकन की बर्फी। बेटे
ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को उल्लू बनाते हैं, टीवी पे कुछ भी दिखाते हैं। बापू उनकी भी गलती नहीं है, अब इतने सारे चैनल्स हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन क्या, अरे क्यों ना हम हमारा एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, नहाना धोना। नहाना धोना, नहाना धोना, ओके। उसमें हम नहाने के और कपड़े धोने के अलग अलग तरीके दिखाएंगे। कपड़े धोने के तो मैं समझ गया, लेकिन नहाने के कैसे दिखाएंगे? प्रोग्राम बनाना बहुत आसान है लेकिन उसे बेचना बहुत मुश्किल। अरे आजकल तो कोई भी सब्जी वाला चाय वाला सीरियल प्रोड्यूसर बन जाता है। हाँ तभी तो प्रोग्राम एकदम बनारसी पान और आलू गोभी की सब्जी जैसे फालतू आ रहे। मिल गया। मिल गया? इसे कुछ हमेशा मिलता ही रहता है, क्या मिल गया? करोड़ों रुपए कमाने का आइडिया। दम की बात कभी ये कर क्या? हम लोग मिलकर टीवी चैनल खोलेंगे। टीवी चैनल? यस। अच्छा भाई तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग चैनल क्यों खोलना चाहते हो? क्योंकि हमें पागल कुत्ते ने काटा है। अच्छा, तो तुम लोग पागल खाना खोलो। एक वो तेरे जैसे 8-10 मिल जाएंगे ना तब खोलेंगे। अच्छा तो तुम लोगों ने चैनल खोलना तय कर ही लिया है तो मेरी तरफ से 8 घंटे का प्रोग्राम फेक। 8 घंटे तक तू लोगों को पकाएगी? इसलिए ऐसे नहीं, देखो 5-6 गोविंदा के गाने, 6-7 गोविंदा और करिश्मा के गाने, फिर 7-9 गोविंदा और कादर खान के इमोशनल सीन, फिर 9-12 कॉमेडी बाय गोविंदा। नहीं, अभी तो बाकी है 12-1 गोविंदा के डांसेस। वाओ, ये तुम लोग इसी तरह गोविंदा के पास हाथ जोड़ के जाओ ना, वो मेरे से जरूर शादी करेंगे। तो गोविंदा की कसम अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो चुप कर। काजल ये बता चैनल का नाम क्या रखेंगे? चैनल नंबर 1। नहीं नहीं, हमारी चैनल का नाम रखते हैं राडा टीवी। नहीं नहीं, हमारी ऑडियंस होगी अंडरवर्ल्ड की और गन वाले और बम वालों के ऐड आएंगे हमारे चैनल पर। ये आइडिया, चैनल का नाम रखते हैं मून टीवी और लोगो पे मुनमुन सेन की भड़कीली तस्वीर रख देंगे, फिर तो साउथ और बंगाल है अपनी चैनल हिट। ए हम लोग हिंदी बेल्ट के लिए चैनल बना रहे, समझी ना? वैसे मुझे एक आइडिया है, हम अपने चैनल का नाम रखें राजश्री टीवी। लोग सोचेंगे राजश्री प्रोडक्शन वालों ने ये चैनल खोला है, और हमारा चैनल ऐसे लिखेगा जैसे बरसात में कांदे की भजी। अरे हाँ यार, वैसे भी हम साथ साथ हैं, साथ साथ लोग एक साथ देखने जाते हैं। चलो नाम तो फाइनल हो गया, अब फाइनेंस की चिंता करते हैं। हम लोग प्रोग्राम अप्लाई करने की एंट्री फीस रखेंगे 5,000 रुपए। हमारे देश में कम से कम 1,00,000 पायलट एपिसोड बनकर चल रहे होंगे। अरे यार, अगर वो सब हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे पूरे 50 करोड़ रुपए। चिंता किस बात की, कल से स्टाफ इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। अकेले अकेले हंस रहे हो, क्या बात है जानू, जरा मैं भी तो जानू। एक न्यूज छपी है, एक कुंवारी ने शेयर दिया है, पत्नी चाहिए और उसे 200 लीटर आ गए, हमारी ले जाओ। बहुत सड़ा हुआ जोक है। कुछ खबर खुश खबर क्या चैनल हेतु नए उभरते भड़कते चैनल को भुदकता हुआ स्टाफ चाहिए। अच्छा, कॉन्टैक्ट राष्ट्रीय टीवी द्वारा आनंद माथुर। आनंद माथुर, बिना बिना जल्दी बाहर आ जाओ, बिना जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? ये इसे तो हिंदी में अखबार और अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहते हैं। मैंने कब कहा इसे बादाम कहते हैं? मैं इसमें छपे इश्तिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। डैडी हमने चैनल के स्टाफ सिलेक्शन के ऐड दिया है। अच्छा, चैनल खोलना यानी स्टोर रिपेयरिंग की दुकान खोलनी थी, आसान बात लगी आपको? कि 4 बर्नर और 3 वॉशर लेके बैठ गए, ले लो कोई स्टोर ले लो। अंकल चैनल खोलना है ना, उससे भी आसान है। कैसे कैसे? मैं तो जानू कैसे। मैं समझाती हूँ, देखिए
प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम बनाते हैं, सैटेलाइट वाले टेलीकास्ट करते हैं, मार्केटिंग वाले एड्स लाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हिसाब संभालता है और चैनल वाला आराम से मजे लूटते हैं। अरे यही एक धंधा है जिसमें बॉस को कुछ नहीं करना पड़ता। और हाँ, वो शादी में तुमने एक सूट सिलाया था, जो पहन कर आए थे वो पहन कर तैयार हो जाओ। देखो, शादी में सिलवाया सूट पहन कर अगर मैं आया तो ऐसे दिखूंगा कि अन्नू कपूर का सूट शम्मी कपूर ने पहना। अरे मिडिल क्लास लोगों की पहचान है कि शादी में सूट जरूर सिलवाएंगे, लेकिन मरते दम तक उसे फिर कभी नहीं पहनेंगे। शादी के बाद ही उसे पता चलता है जो सूट पहन के साहब बनने चला था बन गया गुलाब। दीवार से बात करना छोड़ो, कपड़े बदल कर आओ, बाद में आपको हमारे साथ कमेटी में बैठना है। लेकिन मुझे क्यों मिटाना चाहते हैं तुम लोग? वो इसलिए क्योंकि चैनल की कमिटी में 5 सुंदर लड़कियों के साथ एक थकारा मर्द जरूर नजर आता है। लगता है कोई उम्मीदवार है। जा उठ कर जरा दरवाजा खोलो। और अंकल जरा नहीं है, पूरा दरवाजा खोलना। अरे जा। माफ ले रहा हूँ सरदार जी। आइए आइए सरदार जी, आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको तो कभी आपके असिस्टेंट को देखते हैं। वाह 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 वाह। क्या? कुछ नहीं, तशरीफ रखिए। पर हमारे पास तो रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वह इसका मतलब है बैठिए। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। अच्छा बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है जी संता सिंह और ये है मेरा असिस्टेंट बंता। क्या बंता? ये पहला कैंडिडेट होगा जो असिस्टेंट साथ लाया है। अच्छा संता जी ये बताइए आसमान में कितने तारे हैं? नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए कान खजूरे की कितनी टांगे होना। अच्छा कुरान चल ये सब छोड़, ये बता 1 लीटर वाइन में कितने किलो अंगूर लगेंगे? ऐसे ऊट पटांग सवाल मत पूछिए। इन्होंने कभी अपनी बीवी के सर के सफेद बाल नहीं गिने, आसमान के तारे क्या गिनेंगे। इनसे ये मत पूछो कि कान खजूरे कितने पैर होते हैं, उनसे ये पूछो कि कान खजूरे कितने कान होते हैं। और ये मत पूछो कि 1 लीटर वाइन बनाने में कितने किलो अंगूर लगते हैं, इनसे पूछो 1 लीटर वाइन में कितने पैग बनते हैं। अच्छा ये बताओ कान खजूरे के कितने कान होते हैं और 1 लीटर वाइन के कितने पैग बनते हैं? ये कान खजूरे के कान होते हैं 2 और 1 लीटर वैन में हमारे पटियाले में तो एक ही पैग बनता है जी खंबा। क्या जवाब है? आपकी नौकरी पक्की, ये लो आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आज से आप हमारी कंपनी के सीईओ। ये सीईओ क्या होता है जी? सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओ मैं क्या जी, मुझे कोई टीवी शीवी ठीक करने नहीं आता और मैं तो कारपेंटर हूँ जी, आपके घर के बाथरूम की कुंडी ठीक करने आया हूँ। अरे एक बार सीईओ बन जाइए फिर यू काम सीखेंगे। पापा जी कुड़ी ने तो वाटर प्रूफ प्लाईवुड वर्ग की बड़ी सोनी बात की है। अच्छा आरी लेके बैठेंगे तो लकड़ा तो काटना ही पड़ेगा। ओहो मैं क्या जी, मुझे करना क्या होगा जी बताइए? जो हम कहेंगे वो आप करेंगे। ओ वो तो कुड़िए मेरे लिए बिल्कुल ईजी है जी। पता है स्कूल में मेरे लड़के से उसकी टीचर ने पूछा कि बेटा आपके पापा क्या काम करते हैं, तो पता है मेरे बेटे ने क्या जवाब दिया? क्या? और मेरे बेटे ने कहा जी जो मेरी मम्मी कहती है वही मेरे पापा करते हैं। एनीवे ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। छोटी कल से आप काम पे आ जाइए। मैं क्या जी, मैं टिफिन घर से लेके आऊंगा, खाना शाना यही मिल जाएगा। टिफिन लेके आना और साथ में 7 आदमियों का खाना लाना। 7 आदमियों का? तुम दोनों क्या भूखे मरेंगे? तुम लोगों को खाना नहीं चाहिए क्या? जो लोग चैनल शुरू करते हैं ना उनका किचन अक्सर बंद हो जाता है। ऐसे मैंने सुना है। गुड बाय गुड बाय जी गुड बाय। ओ हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ला रे। मुंडा हाथ कुड़ी नू मारे इहदा खर्चा नहीं मुटिया रे, अगो कुड़ी सैनता मारे कहंदी हुल्ले। ये लोग बाहर भीड़ जमा कर देंगे। ए, तुम लोग एक बात बताओ, ये क्या सोचा है तुम लोगों ने?
कारपेंटर को सीओ बना दिया कि टीवी काटना है। अरे बाबा, हमें ऐसे सीओ चाहिए जो हमारे इशारों पे नाचे, जब हमारा मन आए हम उसको निकाल दे। लगता है मैं ही फिट हूँ। डैड, आजकल चैनल वाले स्टाफ को ऐसे चेंज करते जैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म में उर्मिला मातोंडकर कपड़े बदलती है। हाँ, अभी देखो, जब तक कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आता, क्यों ना हम कुछ क्रिएटिव बातें फिक्स कर ले। अरे हाँ, आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हमें मार्केट में रहने के लिए हर प्रोग्राम कमाल का बनाना होगा। एक काम करते हैं, सारी चैनलों में जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम आता है ना, उनकी लिस्ट बनाते हैं और फिर उनकी नकल करते आते हैं। गुड आइडिया, चलो कल से प्रोड्यूसर्स का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। तुम लोगों का ऐसे नहीं लगता कि तुम लोग खुद का और दूसरों का टाइम बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए? तुझे क्या होगा? अरे वही तो सोचना है, क्या होगा? वही तो सोच रहा हूँ, क्या होगा? तो सोचो ना। तुम सोचो ना, मुझे क्या बोल रही है? अरे तो तुम सोचो ना। मैं क्या बोल रही हूँ? बच्चा जब चलना सीखता है तो चलता तो अपने ही पैरों पे है, लेकिन बाप की उंगली पकड़कर चलने से उसमें हिम्मत आ जाती है। हाँ, उसे भरोसा होता है कि अगर वो गिर गया तो उसका बाप उसे गिरने नहीं देगा, और जिस बच्चे के दिल से गिरने का डर चला जाता है वो जिंदगी में बहुत ऊपर जाता है। देखा हमारे बच्चों ने कितनी समझदारी की बात कही है, इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। इन्होंने बाप होने का कितना अच्छा मायना दिया है कि बच्चे बाप की छत्र छाया में अपने आप को महफूज समझते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तुम्हें अगर सचमुच इनको आगे बढ़ाना है ना, तो इनकी हर बात का हौसला बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ हूं। रमेश, रॉय, किट्टी, रोलर। रमेश, वन करोड़। रमेश रॉय 10 करोड़। रमेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? दिखाइए वो मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाइए मुझे, रमेश जी दिखाइए। रमेश जी, आप अपने नाम पर 10 करोड़ का चेक लिख रहे हैं? सॉरी मैडम, गलती होगी। हम ये समझे कि अकाउंटेंट अकालग्रस्त इलाके की बेकरी की तरह कमजोर क्यों होते हैं? दूसरों का तो लाखों करोड़ों का चेक लिखना है और खुद का 5,500 का चेक आना है, तो आदमी जल के सूख ही जाएगा ना। एनीवे जमीन जी, कैरी ऑन, कैरी ऑन, बेस्ट ऑफ लक, कैरी ऑन। पता नहीं ये लड़की दूसरों के मन की बात कैसे पढ़ लेती है। अरे खैर छोड़ो। रमेश रॉय 20 करोड़।